हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को आज फिर मैं एक काफ़ी सुंदर सी जगह दिखाने वाला हूँ आपको। दोस्तों आज जहाँ जाने वाला हूँ वो एक पिकनिक स्पॉट एंड टूरिस्ट प्लेस है। आपको दोस्तों थंबनेल पढ़कर पता चल ही गया होगा, बट फिर भी बता देता हूँ। आज मैं मानसर लेक जा रहा हूँ दोस्तों। मानसर लेक दोस्तों अराउंड 53 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, और बाइक पे जाना हो तो दोस्तों 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। देखते हैं साइकिल पर कितना टाइम लगता है और आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों अभी टाइम 9:30 हो चुके हैं। दोस्तों यार मैं काफ़ी टाइम के बाद जा रहा हूँ। पहले अपने स्कूल वालों के साथ गया हुआ था 2-3 बार, बट आज मैं सोलो जा रहा हूँ। देखते हैं यार कैसा एक्सपीरियंस रहता है और आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों अभी मैं जो बिश्नाह से हाईवे निकलता है वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। हर बार जहाँ से वीडियो स्टार्ट करता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे गांव का रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है यार, वहाँ से मैं वीडियो शूट नहीं करता। दोस्तों जो ये हाईवे है ना, ये सीधा जिमीदार ढाबा के पास जाकर लगता है, फिर आगे से श्रीनगर टू कन्याकुमारी हाईवे पे हम कनेक्ट हो जाते हैं। टाइम दोस्तों अभी 9:45 हो गए हैं और अभी दोस्तों मैं निकलने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ से मैं वीडियो कम ही शूट करूँगा दोस्तों, आगे जो श्रीनगर टू कन्याकुमारी हाईवे है वहाँ से हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। चल रहा था और चलते चलते एक चीज़ दिखी, ये देखो क्या लिखा हुआ है, आपा जी 2394 में आ गया। इसका मतलब नहीं पता मेरे को, आपको अगर पता हो यार कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली अभी मैं जिमीदारा ढाबा के पास पहुंचने वाला हूं, टर्न लेंगे और जो श्रीनगर टू कन्याकुमारी हाईवे है वहां पर हम कनेक्ट होंगे। दोस्तों यार बीजीपुर मैंने क्रॉस कर दिया है और अभी मैं सांबा में एंटर हो रहा हूं। तो दोस्तों इस साइड बन रहा है एम्स हॉस्पिटल, आपको पिछली वीडियो में बताया था मैंने, बट आज मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा अंदर से एक्सप्लोर करूं आपको। ओह शिट दोस्तों, मेरे को वापस जाना पड़ेगा। आज दोस्तों रहने देते हैं, नेक्स्ट टाइम कभी चक्कर लगाएंगे तो आपको अंदर से भी दिखाएंगे एम्स हॉस्पिटल। तो अभी चलते हैं, फिलहाल टाइम दोस्तों काफ़ी हो गया, 11 बज चुके हैं अभी। ओह शिट, यहाँ पे काफ़ी तगड़ा है एक्सीडेंट, भी लाइव एक्सीडेंट हुआ है और वो देखो गाड़ी। दोस्तों काफ़ी खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था इस कार का, ओवर स्पीडिंग की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है दोस्तों। दो व्यक्ति सवार थे इस कार में और दोनों सेफली बच गए और इस कार का काफ़ी बुरा हाल हुआ है दोस्तों। ये एक्सीडेंट चीची माता मंदिर के पास हुआ है और माता रानी की कृपा से दोनों व्यक्ति सेफ थे, बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ उनको। और दोस्तों अभी मैं पहुँचा हूँ चीची माता मंदिर, तो माता का दर्शन करके फिर हम मानसर राइड को निकल जाएंगे। तो अभी मैं गया था चीची माता मंदिर और अभी मानसर वाले रास्ते पे हम निकल पड़ेंगे। मानसर इस साइड टर्न होता है, आगे से दिखाता हूँ आपको। दोस्तों यार अभी मैं मानसर वाले रास्ते पे निकल पड़ा हूँ। दोस्तों यार मैं सोच रहा था इस साइड काफ़ी चढ़ाई होगी, बट इस साइड ऐसा नहीं है, चढ़ाई है फिर ढलाना है, फिर चढ़ाई है फिर ढलाना है। अब दोस्तों पहाड़ी एरिया स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी मज़ा आ रहा है, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, इनकी छाँव में ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों अभी आपको पहाड़ियाँ दिखना स्टार्ट हो चुकी होंगी, चढ़ाई तो नहीं है अभी तक फिलहाल, मेरे को दिलाने देखने को मिल रही है। दोस्तों ये दिखे मेरे को तूत और इससे हाथ देखो मेरे कैसे रेड रेड हो गए हैं, और चलते हैं आगे। थोड़ी दूर आ गया मानसर। मैं ब्लॉग बना रही हूं। हां जी, हाय हाय। तो एक छोटू मिल गया मेरे को, हाय कर रहा है दोस्तों। काफी अच्छा लगता है यार जब ऐसे छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं और काफी मोटिवेट होता है उनसे। कहाँ रहते हो? पास में रहता हूँ, पास थोड़ा में। हाँ।
डोडा कितनी दूर है यहाँ से? ये बस ही आया। पास है? हाँ, ये डोडा ही है। दोस्तों अभी मैं डोडा में हूँ, मेरे को नहीं पता था, इस बच्चे ने बताया मेरे को। तो आपका घर कहाँ है? ठीक है फिर, ओके बाय। ठीक है, इसका घर अभी पास में ही है। दोस्तों मुझे नहीं पता था कि मैं डोडा में हूँ अभी, तो उस बच्चे ने बताया कि भाई आप डोडा में हो इस टाइम। एक पेड़ मिला है, इसकी छाऊं में रेस्ट कर रहा हूँ अभी, और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। तो दोस्तों अभी भूख भी लगी है, तो मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट क्यों ना करी जाए। और चढ़ाई है आगे दोस्तों, पीछे तो चढ़ाई नहीं थी, बट इस रास्ते पे काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई महसूस हो रही है मेरे को। तो गाड़ियाँ भी काफ़ी स्पीड में आ रही हैं, इनसे भी डर लग रहा है। और काफ़ी ख़तरनाक टर्न है दोस्तों इधर। दोस्तों खाने के लिए मैंने कुछ ज़्यादा लाया नहीं है, तो चॉकलेट पड़ा। चॉकलेट दोस्तों बिल्कुल मेल्ट हो गया है, फाइव स्टार। ये भी दोस्तों मेल्ट हो चुके हैं दोनों पूरी तरह से। और तो सिर्फ एक बिस्किट ही है मेरे पास खाने के लिए, और अभी बिस्किट खाऊंगा और अपनी थोड़ी भूख मिटाऊंगा, थोड़ी एनर्जी लाऊंगा, फिर वापस निकल पड़ूंगा। दोस्तों यार पिलर पे लिखा हुआ है मानसर 9 किलोमीटर है। अभी इस रास्ते पे दोस्तों बड़े बड़े ट्रक वगैरह आ रहे हैं। दोस्तों यार अब आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। अभी दोस्तों वो ऊपर जाना मुझे, ओ दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े ट्रक वगैरह आ रहे हैं साइड। और दोस्तों ऊपर देखो लाइन पे सिर्फ ट्रक ही ट्रक दिख रहे हैं। मैं बता नहीं सकता दोस्तों कितना मज़ा आ रहा है इस रोड पे। पीछे लिखा हुआ है रॉक क्लाइंबिंग जोन, यानी कि पहाड़ी वगैरह गिरने का रिस्क। ओह माय गॉड दोस्तों कैसे चढ़ पाऊँगा यार इतनी हाइट पे, मैं ये सोच सोच के मेरी यो सांसें फूल रही हैं यार। इतनी ऊपर आज तक मैंने इतनी चढ़ाई नहीं चढ़ी यार, फर्स्ट टाइम चढ़ रहा हूँ। ओह माय गॉड, पर होप कर रहा हूँ कि आपको ऊपर पहाड़ दिख रहे होंगे। दोस्तों इतनी ऊपर जाना है, पर इतना नज़ारा आ रहा है ना दोस्तों, आगे मेरा को पता चलेगा अब। सीरियसली यार दोस्तों आज तक मैंने इतनी चढ़ाई नहीं चढ़ी है। एक टाइप का दोस्तों ये मेरा चैलेंज भी है, और मेरी प्रैक्टिस भी हो रही है। देखते हैं क्या बनता है। वहाँ से आया हूँ दोस्तों मैं, अभी वो ऊपर जाना है, उसके बाद प्लेन रोड आ जाएगा शायद। दोस्तों काफ़ी टाइम से चलने के बाद एक मेरे को व्यू पॉइंट मिला है, वहाँ से थोड़ा सा व्यू लेते हैं। दोस्तों यार मैंने एक अंकल जी को पूछा, और वो बता रहे हैं कि भाई आगे चढ़ाई है और थक गए हूँ दोस्तों यार मैं। काफ़ी टाइम के बाद अब थोड़ी ढिलान मिली है, इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है ना दोस्तों, काफ़ी मज़ा आ रहा है। ओ दोस्तों यार मैंने अंडरशर्ट डाली हुई है, वो पूरी तरह से गीली हो चुकी है पसीने से। दोस्तों यार एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, सूरज इधर छुपा हुआ बादलों में, और कैसा व्यू है यहाँ का। इस साइड दोस्तों काफ़ी ज़्यादा धूप है, बट इस साइड अंधेरा हो गया है, और चलते हैं आगे। दोस्तों यार जब मैं नीचे था ना, तो मेरे को काफ़ी आसान लग रहा था, नीचे तो चढ़ाई नहीं थी, मैंने सोचा कि आगे भी ऐसे ही रोड होगा, बट जब आगे चढ़ाइयाँ चढ़ना स्टार्ट करी तो ढलान एक भी नहीं मिल रही है मेरे को। अभी सिर्फ चढ़ाइयों पर ही चले जा रहा हूँ यार। दोस्तों 4 किलोमीटर रह गया है, जो 4 किलोमीटर है वो काफ़ी मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि टोटली मैं थक चुका हूँ। चल रहे हैं यार धीरे धीरे दोस्तों, पहुँच ही जाएंगे, तो मिलते हैं अब आपको वहाँ पर जाकर ही।
तो फाइनली अभी दोस्तों मैं मानसर लेक पहुंच चुका हूं और आपको दिखाता हूं पीछे का व्यू। कुछ ऐसा व्यू है पीछे का। तो मेरे को अभी तक लगभग 4.5-5 घंटे हो गए हैं चलते हुए और अभी फाइनली पहुंच गया हूं। दिखाता हूं आपको यहां का व्यू। चलते हैं आगे, आगे का व्यू दिखाते हैं। तो यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है और अभी फ़िलहाल मैं एक राउंड लगाकर फिर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। हेलो, ये कौन से? मैं जम्मू से। ओ भाई, भाई इतनी दूर से? हाँ, क्या हो गया भाई? अभी इतनी दूर कोई 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 आया नहीं। क्यों नहीं आया? कोई आया नहीं है भाई, पहला बंदा देखा है मैंने आज तक। पक्का? पक्का भाई। आपका क्या नाम है? नाम मेरा सुनील है। अच्छा भाई, ये मेरा YouTube चैनल है, स्कूल साइकिल ट्रैवल विद सुनील। भाई ब्लॉग ब्लॉग चल रहा है इनका, सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू ब्रो। थैंक यू ब्रो। आओ चलें। दोस्तों ये पूरा इस लेक का जो पूरा राउंड है ना, वो 4.5 किलोमीटर का है। वो मैंने पीछे, वो मुझे पीछे भाई ने बताया। काफ़ी लोग बोटिंग कर रहे हैं इस लेक में। मैडम
तो दोस्तों आज की जो मेरी राइड थी वो कंप्लीट हो चुकी है और अभी मैं वापस घर को निकल रहा हूँ। दोस्तों ये जो अभी ट्रक देख रहे हो पीछे, जिस सुबह मेरे को नीचे मिले थे और अभी ये चले हैं। दोस्तों आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, देखता हूँ दोस्तों कितने टाइम में मैं घर पहुँच पाता हूँ। और अभी तो टाइम 5 बज गए हैं पूरे, तो जब मैं घर पहुँच जाऊँगा तो मैं आपको बता दूँगा दोस्तों। तो चलता हूँ दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग में।